बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वअला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम साथियों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये साथियों, मैं आपके लिए आज ज़बरदस्त आसान रेसिपी लाया हूँ, बिस्कुट। ये देखें, खुश आबाद रहें, बनाते खाते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ये ले खाएं आप चाय के साथ। साथियों, मैं किचन में आ चुका हूँ आपके लिए, आज बना रहा हूँ मज़ेदार चाय के लिए बिस्कुट। बहुत जल्दी बनाएंगे और बहुत जल्दी बनेंगे ये आपके लिए बिस्किट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं जी। मैदा डालते हैं जी, पहले एक कप मैदा, ये ग्रामों में 150 ग्राम है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 50 ग्राम बटर जा रहा है जी इसमें। बटर को जी इस तरह छोटा छोटा काट लें, जरा इजी मिक्स होगा। ये बटर जो है नमक वाला है, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, बटर को और ये ब्लू मैदे को। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, साथ ही इसको अच्छी तरह क्रम्बल कर लें, क्रम्बल कर लें। इसको आप चाय के साथ खाएं, नाश्ते में इस्तेमाल करें। मैं तो अभी चाय बनाऊंगा, जब बनेगा तो मैं खाऊंगा। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें साथियों। ये 2% रेसिपी है, ये दो बंदों के लिए। ये देखो साथियों, कितना जबरदस्त मिक्स हो चुका है। ये देखें, 1 टीस्पून चीनी जा रही है जी। इसको हाथ से मिक्स कर लें तो बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसमें बटर मिल्क ठंडा डाल रहे हैं जी। ये 100 ग्राम है और आधा कप भी कह सकते हैं आप। इसको जी चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करें। अब नीचे मैदा डालें जी, इसको गूंदने के लिए अच्छी तरह इसमें मिक्स करें, उसको डालें। अब इस डो को इस मैदे के ऊपर रखें। अब इसको ऐसा ऐसा मसलेंगे हल्के हाथों से, और मैदा नीचे होना चाहिए इसके साथ। ये देखें जी, साथ साथ फोल्ड करते जाएं और मिक्स करते जाएं। ये इसको जी कई दफ़ा इसको डबल करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं इस तरह। ये रेसिपी बहुत आसान है, ख़ासकर आपको चाय के साथ बहुत मज़ा देंगे साथियों। ऐसे नरम नरम बिस्कुट होंगे, बच्चे भी खा सकते हैं और बूढ़े भी खा सकते हैं। आप तो खाएंगे ही और बनाएंगे ही। अब इसके हम बिस्कुट बनाते हैं जी। हम तो ग्लास से बना रहे हैं, अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से बनाएं। ये देखें, ये जी दूसरा जा रहा है, ज़रा ज़ोर लगता है ना जी। ये बाकी जो बचा है ना जी, इसको हम फिर मिक्स करेंगे, फिर 2 इसके बनाएंगे, फिर बताते हैं आपको। दिल तो आपका बड़ा कर रहा होगा जल्दी से बनाएं और जल्दी से खाएं, तो बना लें इसको, देखें रेसिपी को, दिखाएं और साथ साथ सब्सक्राइब करें। अब तीसरा बन रहा जी। ये चौथा बन रहा जी। ये छोटा सा बच गया जी, बहुत। इसको हम छोटे के लिए, अपने छोटे के लिए, जाने के लिए ये रख दिया है। तैयार हो चुके हैं जी, चलें जी ओवन की तरफ जी। साथियों अब ये जाएगा 180 डिग्री ओवन में जा रहा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदा हाफिज़, सर मिलते हैं फिर तुम्हें अभी थोड़ी देर के। इसको हम बेक करेंगे 10 से 15 मिनट, जब तक ये गोल्डन हो जाए, ठीक है जी। अभी आपको मिलते हैं, तो चाय के साथ मिल के नोश करते हैं, ठीक है जी? साथियों देखो कितने जबरदस्त बन रहे हैं, किस तरह मोटे हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी साथियों किस तरह मजेदार तैयार हो गए हैं। ये देखें साथियों, तैयार हो गए हैं जी। देखें जी, मैंने अपने लिए चाय भी तैयार की हुई कर रहा हूँ, तो साथ ही खाएंगे ना चाय भी और ये बिस्कुट, तो मज़ा तब आएगा। आप भी ऐसे ही करें, ठीक है साथियों। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी कितना नरम। ये देखें, मैं बटर लगाता हूँ, देखें जी इसको मैं खोलता हूँ। ये देखें किस तरह, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बटर लगाता हूँ जी। बहुत आसान रेसिपी है, आप बनाएं, खाएं, मज़े उड़ाएं। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये बम। ये देखें जी साथियों, मैं चाय बना ली है, अब मैं नोश करूंगा। ये छोटे के लिए बनाया है, ये देखें छोटे छोटे के लिए। साथियों आप मक्खन ऊपर भी लगा सकते हैं, ऐसे अच्छा लगेगा आपको। ये देखें, ये मैं बिस्मिल्ला करता हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मज़ेदार है। ज़्यादा चाय का जूस रहते हैं जी, चाय भी रहते हैं, बड़ा मज़ेदार है। चाय बनाएं और हमें दुआ में याद रखें और साथ सब्सक्राइब करें आप, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।